नमस्कार दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक विज्ञान सेंटर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रीट लाइट की वायरिंग डायग्राम और ऑटोमेबल का डायग्राम भी बताएंगे और वायरिंग करके भी दिखाएंगे। यह है स्ट्रीट लाइट टाइमर जो कि एलएनटी कंपनी की है। आज हम इसको ऑटो और मैनुअल वायरिंग भी और वायरिंग डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो ये टाइमर पे नज़र मार लेते हैं थोड़ा। ये टाइमर के टर्मिनल है, एम एम लिखा हुआ है ऊपर, और टर्मिनल नंबर है 1 और 2। ये एक दो एक नंबर एल है और 2 नंबर एन है। यहाँ पे हम 220 वोल्टेज देंगे और ये 3, 4, 5 है। जो 3 नंबर है वो कॉमन है, 4 नंबर NO है और 5 नंबर NC है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना 220 वोल्टेज हमने लिया है इसको ऑन करने के लिए। तो हमने पहले सिंपल सा करके देखते हैं। सिंपल का वायरिंग डायग्राम ये है। ये अपना न्यूट्रल है, ये फेस है। जो फेस आई है वो देंगे हम टाइमर के एल पे, यहाँ पे 1 नंबर पे, और यहीं से फेस उठा कर 3 नंबर पे देंगे कॉमन पे, और 4 से उठा कर एक इंडिकेटर लैंप को देंगे, और न्यूट्रल 2 नंबर पे देंगे और लैंप को सीधे डायरेक्ट देंगे। तो ये हम करके देखते हैं, उसके बाद हमें बताता हूँ ऑटो मैनुअल कैसे करेंगे पुश बटन सेलेक्टर स्विच के थ्रू। तो यह है इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर, और हाँ कलर वाइज तार लिया हूँ मैं। फेस के लिए रेड लिया हूँ और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। तो ये हम लगा रहे हैं रेड। रेड वायर लगाए, ये दे देना हमें 1 नंबर पे जो सप्लाई का है, जो टाइमर को सप्लाई मिलेगा। और यहीं से एक लूप बना देनी है 3 नंबर पे, कॉमन पे दे देनी है। ये सिंपल बना रहा हूँ, अभी मैं आपको ऑटो मैनुअल करके दिखाऊंगा। ये टाइमर अगर ख़राब हो जाए तो मैनुअल में कैसे करेंगे और ऑटो में कैसे करेंगे। 1 नंबर पे दे दिया ये फेस, यहीं से उठा के 3 नंबर को दे देंगे कॉमन है जो। और टाइमर को न्यूट्रल भी दे देंगे, इसको हम न्यूट्रल भी दे दें। और यहीं से अपना इंडिकेटर में भी न्यूट्रल दे देंगे जो कि ये है। ये 2 नंबर पे न्यूट्रल है, ये 2 नंबर पे न्यूट्रल दे दिया, यहीं से हमने इंडिकेटर में दे दिया। और ये हमने NO पे लगा देनी है जो ताकि जब टाइमर ऑन हो तो जलेगा। तो ये ऑन करते हैं सप्लाई, सप्लाई ऑन हो गई है। और इसमें एक पॉइंट है, इधर सबसे इधर लास्ट में है ऑफ, और बीच में ये ऑटो है, जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अनुसार चलेगा। और ऊपर है ऑन, ये मैनुअली ऑन हो जाएगा। ये तार निकल गई है, ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया। ये मैनुअली ऑन किए हैं, प्रोग्रामिंग के अनुसार नहीं है। जब हम इसको सेंटर में कर देंगे तो ये प्रोग्रामिंग के अनुसार चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 सुई को ऑन कर देते हैं और इसको घुमाते हैं, यहाँ पे ले आएंगे तो ये टाइमर प्रोग्रामिंग के अनुसार चलेगा। ये देखिए
यानी जितना हम जिसके अनुसार से प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अनुसार से करेगा चलेगा जब हम इसको सेंटर में करेंगे, और इधर लास्ट में ऑफ हो जाएगा टाइमर, मतलब काम नहीं करेगा, ये बंद कर दिया गया टाइमर। और सबसे ऊपर ऑन है, मैनुअली ऑन हो जाएगा ये टाइमर, ये जो एनओएनसी है वो ऊपर कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये टेस्टिंग करने के लिए दिया हुआ है। अब आपको हम ऑटो मैनुअल करके दिखाते हैं ऑटो मैनुअल कैसे होगा। अब हम आपको ऑटो की वायरिंग बता रहे हैं ये ऑटो और मैनुअल कैसे होगा। तो थोड़ा ड्राइंग समझा रहा हूँ आपको। ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ये जो फेस है वो सेलेक्टर स्विच एक लगाएंगे हम, उसके कॉमन पे आएगा। और ये उसके पॉइंट है A1 A2, इधर ऑटो चलेगा, इधर मैनुअल के पॉइंट है। और ये अपना ऑटो, ये जब हम ऑटो करेंगे तो ये वाला जो स्विच है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑटो का सप्लाई चलेगा। फिर हमारा ये टाइमर ऑन हो जाएगा, जब ये टाइमर ऑन होगा तो ये टाइम जितना हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अनुसार ये NO बने, अभी NC है ये, उसके बाद NO बन जाएगा। NO बनेगा तो आपका कंडक्टर ऑन हो जाएगा, तो हमारा लाइट जल जाएगी। और जब हमारा टाइमर ख़राब हो गया तो हम इसको मैनुअल में करेंगे, मैनुअल में करके इसको पुश बटन एक लगाएंगे रेड, और एक ग्रीन लगाएंगे, दो पुश बटन लगाएंगे। ये मैनुअल में करके जब हमारा टाइमर ख़राब हो गया तो हम इसको मैनुअल में करके ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम पुश बटन और कॉन्टेक्टर रखते हैं और वायरिंग करते हैं ऑटो और मैनुअल की। ये ऑटो कैसे चलाएंगे, मैनुअल कैसे चलाएंगे। अब ये अपना कंडक्टर, जो इसके A1 है, ये A2 है, और ये NO और ये भी NO है, इधर NC है, और इधर ये 3 पॉइंट है, ये पावर की है। आप चाहें तो ये लाइटिंग के लिए हम यूज करते हैं, पर हम खाली आपको कंट्रोल की वायरिंग बता रहा हूँ, पावर की तो आप कोई भी कर लेगा बंदा। और ये अपना 220 वोल्टेज है, इसको हम सेलेक्टर स्विच को एक नंबर पे देंगे, जैसे ये यहाँ पे आई हुई है ड्राइंग में, ये एक नंबर पे दी हुई है। हम ये फेस उठाएंगे रेड वाले, और इस सेलेक्टर स्विच को एक नंबर पे देंगे, और A1 से उठाएंगे, A1 से टाइमर को कॉइल और NO पे देंगे। जो A1 से इधर से उठी है, टाइमर के कॉइल और 3 नंबर पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लूप कर देते हैं इसको। ये लूप हो गया। अब हम टाइमर को न्यूट्रल देंगे और कंडक्टर को भी न्यूट्रल देंगे, क्योंकि ये 220 का कॉइल है, न्यूट्रल मिलेगा तब चलेगा ये। टाइमर को न्यूट्रल दे देते हैं 2 नंबर टर्मिनल पे, और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। उसके बाद एक कंडक्टर की कॉइल की तार है, ये हम NO पे लगा देते हैं 4 नंबर पे। और शुरू से मैं एक बार ये ड्राइंग समझा देता हूँ आपको। ये अपना रेड वाली तार आई है, जो पीछे आई है, ये अपनी रेड है जो यहाँ पे 1 नंबर पे लगी है सेलेक्टर स्विच के, यहाँ पे 1 नंबर पे, और A1 से उठी है, वो येलो कलर की तार है, जो ये है A1 से, ये टाइमर की कॉइल और NO पर गई है, जैसे कि ये है, ये
येलो कलर के जा रहे हैं जो ये टाइमर के कॉइल में और तीन नंबर पे गई है। और मैनुअल की थोड़ा मैनुअल है ये एक उठी उठी है वो ब्लू कलर की वायर है जो ये एक उठी उठी है ये अपना पुश बटन के एंट्री में ये पुश बटन के एंट्री में आई है। ये देखिए यहाँ पे सीटें लगी है उसके नीचे नीचे से उठी है जो कंडक्टर के एलो में और पुश बटन में और उसके कॉयल में और यही उठ के चार नंबर में गई है टाइमर की। तो ये देखिए ये ग्रे कलर की वायर है जो पुश बटन के नीचे से उठी है ये टाइमर के एलो और कॉयल में और यही तार टाइमर में भी चली गई है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। को सीधा कर लेते पहले ये है इधर से सीधा ऐसे तो ये एक नंबर है इधर अपना ऑटो चलेगा और दो नंबर पे मैनुअल चलेगा। तो ये सप्लाई ऑन करते हैं सप्लाई हमारी ऑन हो गई है अब हम ये ऑटो पे किए हैं तो ऑटो पे किए तो इसको हम इधर से ऑन कर देते हैं क्योंकि इसमें 5 मिनट की टाइम होती है 5 मिनट के बाद अपने आप जलती है तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस करके हम मैनुअली इधर से ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए ये एक नंबर पे किए हैं ऑटो पे तो ये उधर से टाइमर के थ्रू चल रहा है और ऑफ पे ऑफ हो गया और टू पे ये पुश बटन के थ्रू चलेगा ये मैनुअल हो गया यानी जब हमारा टाइमर खराब हो जाएगा तो टाइमर में सप्लाई नहीं जाएगी तो सीधा पुश बटन में आएगा ये आएगा एनसी में एनसी से एनओ में जाएगा जो हम एनओ दबाएंगे ये देखिए ऑन हो जाएगा ये देखिए ऑन हो गया और ये ऑफ दबाएंगे और पुश बटन दबाएंगे ये ऑफ हो गया फिर इसको फुल दबाएंगे ऑन हो गया जैसे कि आपको दिख रहा है ये ऑफ हो गया ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया और ये ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो हो गया देखिए ऑटो हो गया। अब इसको हम मैनुअली में किए हैं और इधर ऑफ कर देते हैं जैसे टाइमर खराब हो गया तो हम इसको मैनुअल में करके और अपना लाइट जला सकते हैं। ये देखिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में।